नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रत्यक्ष कर पर आधारित बिल किया पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में किया डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन, कहा आतंकवाद विश्व के लिए बड़ी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार के सिलसिले में फरवरी के अंत में करेंगे भारत दौरा। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम लोकसभा में पेश किया। इस बिल को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल कॉरपोरेट और सरकार के बीच विश्वास की कड़ी को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक अपना बकाया चुकाने वाली कंपनियों को ब्याज और आर्थिक दंड से यह बिल राहत देगा। गौरतलब है कि कंपनियों का लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसे वसूल करने के लिए सरकार ने इस बिल के माध्यम से कंपनियों को आर्थिक दंड से राहत प्रदान करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल 4 दिवसीय डिफेंस एक्सपो 2020 की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। साथ ही 39 देशों के रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा पर होंगे, जिसमें भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ट्रंप 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले हैं। इस व्यापारिक समझौते में भारत जहां कृषि, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग जैसे उत्पादों के बाजार सुविधा के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है, वहीं अमेरिका अपने विनिर्माण उत्पादों, डेयरी वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत में अधिक पहुंच चाहता है। निर्भया केस में दोषियों की फांसी में लगातार हो रही देरी के बाद कल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्प प्रयोग करने के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। मामले में केंद्र सरकार ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी कि दोषियों को अलग अलग समय पर फांसी दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी तक दोषी पवन को छोड़कर बाकी 3 अपराधियों की दया याचिका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। शाहीन बाग में गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुए कपिल वसेला के पिता गजेश सिंह ने एक समाचार चैनल को बताया कि मेरा बेटा आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं है, जबकि पुलिस का कहना है कि वसेला आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। परिवार ने कहा कि हमने आप पार्टी की टोपी को सम्मान की निशानी के रूप में पहना था। हालांकि गजेश सिंह ने यह जरूर बताया कि वे 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। देश की पहली अंडरवाटर टनल मेट्रो सेवा कोलकाता की हुगली नदी के नीचे आरंभ होगी। 13 फरवरी को इस सेवा का उद्घाटन होगा। यह मेट्रो हावड़ा और महाकरण मेट्रो स्टेशन के नीचे चलेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मार्च 2022 तक यह काम पूरा हो जाएगा। यह देश की पहली अंडरवाटर परियोजना है, जिसके लिए जापान से 41.6 बिलियन रुपए का ऋण लिया गया है, जो परियोजना का करीब 49% है। KMRC के प्रबंध निदेशक के अनुसार हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही दोहरी सुरंग की लंबाई 520 मीटर है। इस लाइन के शुरू होने के बाद रोजाना 9 लाख लोग इसमें सफर करेंगे। भारत में केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। 28 वर्षीय युवक में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड में मरीज की निगरानी कर रहे हैं। कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ, जो अब विश्व के कई देशों में फैल चुका है। भूटान में अब भारतीय पर्यटकों की मुफ्त आवाजाही नहीं हो सकेगी। अब वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों को प्रतिदिन के हिसाब से 17 अमरीकी डॉलर सतत विकास शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि यह शुल्क अन्य विदेशी पर्यटकों के $65 से काफी कम है। आपको सूचित कर दे कि अभी विश्व के 17 ऐसे देश हैं जहां भारतीय पर्यटक फ्री वीजा के आवागमन कर सकते हैं। अब आर्थिक सुस्ती से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई खबर, एक राहत भरी खबर।
IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस इंडेक्स के अनुसार जनवरी में भारतीय सेवा 55.5 अंक पर स्थिर रहा। यह 2013 से 2020 की अवधि का सबसे ऊंचा स्तर है। IHS मार्केट में प्रधान अर्थशास्त्री पोलियाना डी लीमा ने भारत की सेवा क्षेत्र में इस प्रगति पर कहा कि 2020 की शुरुआत में भारत के सेवा क्षेत्र में नई जान देखी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह खासकर बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब खबरें खेल जगत से। बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच हैमिल्टन में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और भारत से सबसे पहले बल्लेबाजी करवाई। भारत ने श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी और केएल राहुल और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी के दम पर 4 विकेट खोकर 347 का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जिसे न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 11 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। रोस टेलर को उनकी 109 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। जाते जाते सुर्खियां एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रत्यक्ष कर पर आधारित बिल किया पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में किया डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन, कहा आतंकवाद विश्व के लिए बड़ी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार के सिलसिले में फरवरी के अंत में करेंगे भारत दौरा। आज प्रभात समाचारों में इतना ही। राधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।